बिस्फी में सरकारी अनाज कालाबाजारी करते धराया पीडीएस विक्रेता। कालाबाजारी के लिए पिकअप पर ले जा रहे अनाज को गुप्त सूचना पर पुलिस ने दबोचा। बेनीपट्टी एसडीएम ने डीलर पर सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। एसडीएम के आदेश पर जांच के लिए पहुंचे एमओ पिकअप चालक पुलिस हिरासत में। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत औसी ओपी बभन गामा दक्षिणी पंचायत में पीडीएस विक्रेता खुर्शीद आलम उर्फ मजरू द्वारा खाद्यान्न कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। बभन गामा दक्षिणी पंचायत में वार्ड संख्या 9 के डीलर खुर्शीद आलम उर्फ मजनू द्वारा कालाबाजारी के आरोप में गुप्त सूचना के आधार पर औसी पुलिस ने पिकअप वैन पर लदे अनाज सहित चालक को दबोच लिया, जिसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इस मामले की जांच को लेकर औसी ओपी थाना पहुंचे। मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पिकअप वैन और उस पर लदे अनाज को जब्त कर लिया गया है, साथ ही चालक को औसी पुलिस की हिरासत में रखा गया है। जांच रिपोर्ट एसडीओ को सौंपने के बाद एसडीएम के आदेशानुसार आगे उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बेनीपट्टी एसडीएम ने खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोपी डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिस्फी से राकेश यादव की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला हुआ अनाज को लेकर के, कालाबाजारी किया जा रहा था क्या? कालाबाजारी का आरोप तो है, जांच किया जा रहा है, जांच में जांच करके रिपोर्ट मंडल पदाधिकारी को सौंपने का आदेश है, उसको रिपोर्ट को भेज देते हैं, तभी का जो आदेश आएगा। आपके द्वारा जांच किया गया है? हाँ, अभी तक की जांच में क्या कुछ पाया गया है? अभी तक तो स्टॉक का सत्यापन किया गया है, ये पाया गया है कि अनाज उसी डीलर के यहाँ से लोड हुआ था वाहन में, और वाहन भी जो है डीलर का ही है, जो ड्राइवर के द्वारा भी बताया गया है, स्थानीय लोगों के द्वारा भी बताई गई है। सारा रिपोर्ट लगा करके हम सबमिट कर रहे हैं, वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार ही आगे काम होगा। रिपोर्ट देने के बाद जो आदेश आएगा उसके अनुसार। वहाँ जो कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि एक जगह से दूसरे जगह अनाज रखा जा रहा था, उस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, कहाँ तक क्या सही है उसमें? स्थानीय लोगों से जो बातचीत की गई है, उनसे पूछताछ की गई है, उस पूछताछ में भी यही बताया है कि विक्रेता पूर्व में भी यहाँ से अनाज लेकर के अपने वितरण स्थल पर ले जाते थे, वहाँ पर वितरण का कार्य करते थे। इसका आदेश लिया गया था क्या? मेरे संज्ञान में नहीं, इसका आदेश नहीं लिया गया था, मेरे संज्ञान में नहीं है। तो अभी तो मान लीजिए सरकारी अनाज गाड़ी पे जो लोड किया गया है और बैग जो है सील पाया गया है। हाँ, वो सील है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। हाँ, आगे कार्रवाई, अभी तत्काल उसको जब्त कर लिया गया है। हाँ, जब्त तो किया ही जाएगा, जब्त तो किया ही जाएगा, जब्त करके जिम्मेनामा पर तत्काल सुपुर्द किया जाएगा। और ड्राइवर भी पकड़ा है क्या? ड्राइवर जो है सो पुलिस अभिरक्षा में है जी।